अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या चैनल आप सबके, उम्मीद है सब बेहतर होंगे। तो आगे मैं एक और न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम पहले रिएक्ट करेंगे एक प्लेयर पे, और मतलब ये मेरे साथ जूनियर साइको है, ये भी रिएक्ट करेगा। हेलो आए कह रहा है। तो पहले हम रिएक्ट करेंगे और फिर मतलब उनके क्लचेस पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, मतलब प्लेयर है, प्लेयर्स कह रहा हूँ, पाकिस्तान में 1v4 किंग कहा जाता है उनको। तो ये हमारे जो जूनियर साइको भाई हैं, इन्होंने कहा यार इनके साथ करो 1v1। मैंने कहा चलो करते हैं। तो चलो पहले करते हैं रिएक्ट हम उनकी गेम प्ले पे। मेरे सामने उनकी स्क्रीन पे गेम प्ले चल रहा है, तो हम रिएक्ट करेंगे और उसके बाद हम सीधा जाएंगे उनके साथ 1v1 TDM खेलने के लिए। क्योंकि ये गंदा था ना बहुत, अभी इसको साफ सूफ करके यहाँ पे लाया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा तो ये फाइट चल रही है मिलिट्री में, यहाँ पे एक नो किया। ये प्रो प्लेयर लग रहा है। अरे मुझे नहीं लगता कि करता हूँ, ये स्पीड है ना, वो स्पीड काफी अच्छी लगी है। इसको कुछ पता नहीं है अभी, लगा चुप हो जाओ। ये तो अभी पबजी का इतना खास प्लेयर नहीं है, इंशाल्लाह बनाएंगे इसको प्लेयर। यहाँ पे अच्छा 1v3 कर दिया, चुप पप्पी। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है वाकई। तो अभी तक आपको पता लग ही चुका होगा ये कौन है हमारे भाई, लेकिन आगे जाके अगर आपको पता नहीं चला आगे जाके मैं बता देता हूँ। ओके पहला FPP करके नॉक, और दूसरा TPP, तीसरा भी TPP, खूबसूरत 1v3 करते हुए यहाँ पे ओपी। मोबाइल पे ऐसा गेम प्ले दिखाना कोई आसान काम नहीं है। ओके फिर FPP ड्रोन शॉट ओपी। क्या FPP ड्रॉप शॉट मारा है यहाँ पे, झुक के मारा है नहीं प्रोन होते। ओके यहाँ पे एक नॉक कंफर्म कर दिया, 1v3 होने वाला है, लेट्स सी। नाइस, अच्छा नॉक था ये। ओ भाई ये तो पूरा सर पे मुंह पे चढ़ गया था बंदा। ओपी चाचू लियाकत ये तो इजी किल हो जाएगा। मुझे अभी से डर लग रहा है इस बंदे के सामने 1v1 होने वाला है, लेट्स सी। तो ये हमारा आखिरी क्लच था। तो गाइस सीन ये है कि इसको मैं बंद करता हूँ। तो गाइस सीन ये है कि अभी हमारा होगा ये स्मक भाई, क्या हमारे स्मक ओपी के साथ 1v1 होगा। तो क्या लगता है जूनियर साइको मैं जीत पाऊंगा या नहीं? डर तो मुझे भी लग रहा है, क्यों इतने प्रो प्लेयर है, थोड़ा आगे होना है। कौन इतने प्रो प्लेयर है, मुझे नहीं लगता, डर लग रहा है। तो नहीं लग रहा मैं जीत पाऊंगा, एक्सपीरियंस तो हो रहा लेकिन डर भी लग रहा है। अच्छा तो गाइस आज मेरी हालत थोड़ी खराब है, क्योंकि दाढ़ी शाड़ी काफी 2 हफ्ते हो गए मेरे, कोई मतलब अपने बाल बूल भी नहीं सेट कराए, दाढ़ी भी नहीं सेट कराई। तो चलते हैं फिर उनके साथ 1v1 पे, दुआ करना जीत जाऊं मैं। तो बाकी है तो वो TDM प्लेयर, आप नहीं कह सकते उनको, क्लासिक प्लेयर है। तो बाकी कोई हेड वाला सीन नहीं मिलता है गेम के अंदर, लेट्स गो। हाँ तो गाइस आ गया हमारे न्यू TDM के साथ, न्यू चैलेंज के साथ, लेकिन ये चैलेंज बहुत हैवी हुआ है। पहले मतलब आप किल्स कुल्स देख लेना, फिर किल्स के बाद मैं मिलता हूँ हाफ मैच के बाद। हाफ मैच में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, फिर आपको मजा नहीं आता। लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर, और इंट्रो के बारे में थोड़ा बात करेंगे और जूनियर साइको के बारे में भी।
हाँ तो गाइस ये किल काफी लंबा होने वाला है, देखो ये, इसके बाद फिर आपसे बातें करता हूँ। भाई भाई बहुत लंबा चला गया किल। तो क्या चला है यार आप सबके पक्की? अभी यहाँ पे होगी हमारी दुलाई, आठ तो ऐसे ही है। अभी देखो स्मक भाई क्या रिकवरी मारेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे यार AWM क्यों चला रहा है। यार AWM इसलिए चला रहा था, एमओ नहीं है M4 में, अभी उठाई है। अच्छा मारा है, ड्रॉप शॉट नाकाम हो गया था, लेकिन आगे ऊपर से आके स्मक भी हमारे मारा। अब देखो आपके भाई की क्या पटाई होगी। तो गाइस स्मक भाई को आप जानते होंगे, मतलब स्मक भाई स्मक भाई मेरे से इतनी इजी हारते नहीं है। हमने चार पांच की टीम में खेले, लेकिन हमारे ज्यादा ड्रा होते हैं, एक आधे स्कोर का फर्क आता है ना। स्मक भाई को मैंने कहा यार मैंने कंटेंट बनाना है, आ जाओ वन वन करते हैं। तो इन्होंने कहा हाँ ओके आ जाओ आ जाओ। तो हमने वन वन किया तो ये रिजल्ट हुआ। तो सम टाइम्स ओ मरे नहीं यार, इतना मारा। तो गाइस सम टाइम्स ऐसे होता है कि बंदा हार जाता है और लाइक लीड भी हो जाती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ TDM जो है ना ये किस्मत पे है, कभी हार कभी जीत ये सब चलता है। कैसा लगा ये यार, ये मेरा फेवरेट किल था मैच का। तो कहने का मकसद ये है, अगर कोई आपका प्लेयर है जिसको आप बहुत कहते हो कि हाँ यार ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो मैं कह रहा था अगर आपका फेवरेट प्लेयर हार जाता है TDM में तो ये ना सोचो वे नूब है या वो है, ये समझो कि आज उसका बुरा दिन था। तो मतलब ये बात होती है, और दो जब अच्छे प्लेयर खेल रहे हो ना तो जो प्रेशराइज होता है वो हार जाता है। TDM में मैं आपको बात आता हूँ, TDM में हमेशा चार पांच की लीड जो ले जाए ना वो बंदा TDM ले जाता है।
अबे रैंप के आगे काफी लेट मरे हो स्मग भाई। तो ये देखो एमएस स्टेबल नहीं है 244। ओके जी जी। तो गाइस बाकी टीडीएम अब देखो मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ, बाकी बताओ इंट्रो कैसा लगा। और जूनियर सेको का चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया, मंडे को पहली वीडियो आएगी और वीडियो बन चुकी है और उसको हम उसको हमने सरप्राइज किया हुआ है, तो बहुत मज़े की वीडियो है। और उसके बाद गेम प्ले वगैरह की वीडियो आया करेगी इंशाल्लाह, उसकी मतलब डिफरेंट वीडियोज़ आया करेंगी, डिफरेंट कॉन्टेंट हुआ करेगा उसका। तो बाकी बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, हम और इंट्रो हम ऐसे ही बनाया करें डिफरेंट डिफरेंट, तो मज़े का मतलब। और बाकी ये है कि स्मक भाई के लिए नो एट वाला सीन है यार, इनके साथ मेरा इस रूम के भाई इन्होंने बोला कि एक और रूम लगाते हैं और वो रूम मैं एक स्कोर से शायद हार भी गया था, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए कह रहे थे लगाते हैं, पता नहीं अपलोड करते हैं यानी, क्योंकि इन्होंने तो मेरे साथ 1v1 किया हुआ था, वो बराबर हो गया था, वो इन्होंने अपलोड किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये अपलोड करेंगे, या करते भी हैं तो ठीक है ओपी सीन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो जिसने लाइक नहीं की लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, सब अपना ख्याल रखना। व्लॉग आने वाला है कल, व्लॉग आने वाला है तो लाजमी परसों वेट करना व्लॉग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।